भगवान के नाम के बिना हमें किसी भी प्रकार से निर्मल ज्ञान नहीं मिल सकता, और नाम कभी भी कैसे भी हर अवस्था में लेते रहना चाहिए। कार्य करते रहें, ईश्वर का नाम लेते रहें, जप करते रहें, भाव को भाव अलग और आदर्शहु नाम जपत मंगल दिशा दशहु, चाहे भाव से जपो या कुभाव से। यदि कुभाव से भी जपे तो भी हमारा कल्याण होगा। जैसे वाल्मीकि महाराज जो है पूर्व में एक बालिया लुटाया हुआ करता था, हम लोग जानते हैं सुने हैं कि वह जो है बहुत क्रूर था। ऐसा कहते हैं कि वह 100 बैलगाड़ी भर ले इतने ब्राह्मणों को मार करके उनका जनेऊ इकट्ठा किए थे, इतना वो हत्यारा था। कुछ घड़ी का सत्संग उनको मिला देवर्षि नारद जी का, और बाल्या लुटारा से वाल्मीकि हो गए। कथा प्रसंग जानते हैं कि बाल्या लुटारा जा रहा था, देवर्षि नारद जी आ गए, उनसे कहा कि पकड़ लिया देवर्षि नारद जी को, मैं तुम्हारा जो कमंडल है उसको लूट लूंगा और तुमको मारकर तुम्हारे जनेऊ रखूंगा। ब्राह्मणों को देखकर वो मारता था। नारद जी उनको बोले कि हे व्यास, आप इस प्रकार से लोगों को मारते हैं, हत्या करते हैं, इसका दोष तुमको लगेगा और अनेक जन्मों में उसको भटकाएगा। ऐसा ना उनको बतलाते हैं। तब वो कहता है कि मैं ये अपने लिए नहीं करता, मैं अपने परिवार के आजीविका के लिए सब करता हूँ। देवर्षि नारद जी एक शब्द बोले कि आजीविका के लिए तुम इतने जीवों की हत्या करते हो, कभी पूछे हो तुम्हारे परिवार वालों के को कि तुम हमारे इस पाप में वो सहभागिता रखते हैं कि नहीं? तब वो कहते हैं कि जब मैं कमा के लोगों को मार के धन लाता हूँ, वो लोग खाते हैं, तो जरूर वो लोग मेरे पाप में भी हिस्सेदार होंगे। लेकिन देवर्षि नारद जी कहते हैं कि आप जाकर पूछ के आइए। वह जाता है, पूछता है मां, अपने माँ बाप पत्नी बेटे सभी से पूछता है कि तुम मेरे पाप में भागी बनोगे कि नहीं। तब वो सभी लोग नकार देते हैं कि हम तुम्हारे पाप में किसी भी प्रकार के भागीदार नहीं हो सकते, तुम किस कर्म से धन इकट्ठे करके लाते ये हम नहीं जानते, आप तुम्हारा दायित्व है कि हमारा भरण पोषण करना और हमारा अपना आजीविका चलाना, इसलिए तुम कैसे कर्म करके लाते हुए हमें ज्ञान नहीं है, हम तुम्हारे दोष में किसी भी प्रकार से सहभागी नहीं हो सकते। फिर वह नारद जी के पास पुनः आता है, कहता है कि महाराज कोई मेरे दोष में भागीदार नहीं है, अब मैं क्या करूं? तब कहते हैं कि आप जो है भगवान के नाम जप करोगे तभी इन सभी पापों से तुमको छुटकारा मिलेगा और इस जीवन से मुक्ति मिलेगा। तब बोले कि मैं किस भगवान का नाम लूं? तब बोले कि तुमको जो भगवान का नाम पसंद है, जिसको तुम चाहते जानते हो, उसका नाम लो। तब बोले कि मुझे किसी भी भगवान का नाम नहीं आता। तब उसको कहा कि तू राम राम बोल, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बालिया लुटारा का पाप इतना था,
जब तक मनुष्य के शरीर में पाप रहता है तो भगवान के नाम नहीं ले पाता। कहते हैं ना, दाने दाने पर लिखा रहता है खाने वालों का नाम। यदि हम हमारे भाग्य में खाना लिखा है तो कहीं से भी हमको भोजन मिल जाएगा। यदि उस खाने में हमारा नाम नहीं है तो हम खाते रहेंगे, मुख पर निवाला जाएगा, लेकिन जाने से, अंदर जाने से पहले वो निवाला गिर जाएगा, छिन जाता है, क्योंकि उसमें हमारा हिस्सा नहीं होता। ऐसे ही जब तक मनुष्य के शरीर में पाप रहता है तब तक के ईश्वर का नाम वो नहीं ले सकता। अत्यधिक पाप के कारण उसका पाप इतना था कि भगवान का नाम भी दो अक्षर का नहीं बोल पा रहा था। नारद जी बोले कि अब ये बताओ कि तुमको क्या प्रिय है, उसी को बोलो। तब कहता है कि मैं जब चोरी करने जाता हूं और कभी कभी पकड़ा जाते हैं, लोग मारते हैं, तब मैं बोलता हूं मरा मरा, अरे मार दिया मार दिया, मारा मारा मारा, भागो भागो मारा। तो मैं मारा मरा शब्द बोल सकता हूं। नारद जी बोले ठीक है, तू यही कर, तू मरा मरा ही कर ले। तब से वो मरा मरा नाम जपा, और आप हम सभी जानते हैं उल्टा नाम जपत जपत जग जाना, वाल्मीकि है ब्रह्म समाना। वाल्मीकि बाल्यलोकारा से वाल्मीकि बन गए उल्टा नाम जपते जपते। इसलिए तुलसीदास जी भी कहते हैं, तुलसी अपने राम को रीच भजो या खींच, उल्टे भूमि फेंके उगेंगे उल्टे सीधे बीच। इसलिए जैसा भी हो हर अवस्था में भगवान का नाम चिंतन करते रहना चाहिए।